नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आइए नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बल्लेबाजों की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ है। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को हटाकर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को भी एक स्थान का फायदा हुआ है और अब वे चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशेन तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। आपको बता दें दोस्तों कि स्टीव स्मिथ इस रैंकिंग में पहले स्थान पर मौजूद हैं और उन्हें 891 रेटिंग अंक मिले हैं। इसके बाद केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान जो हैं वो 886 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। मार्नस लबुशेन तीसरे स्थान पर मौजूद हैं और ये 878 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान 814 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं। पांचवें स्थान पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट हैं, जिनकी की 797 रेटिंग पॉइंट्स हैं। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में 16 जून को एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरी और इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन की समाप्ति पर इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 269 रन बना लिए थे। भारत की तरफ से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्नेह राणा ने डेब्यू मैच में 3 विकेट अपने नाम किए। वह इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट इस मैच में शतक लगाने से चूक गई। वहीं आपको बता देते हैं दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से 5 खिलाड़ियों ने इस मैच में डेब्यू किया है, जिनमें शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, स्नेह राणा और तानिया भाटिया शामिल हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों कि भारत ने इस टेस्ट मैच से पहले पिछला टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2014 में खेला था और उसके बाद से 7 साल के अंतराल के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस मैच को खेलने के लिए मैदान पर उतरी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले इस मैच में इस्तेमाल होने वाली ड्यू गेंद की पहली तस्वीर सामने आई है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड क्रिकेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भारत के खिलाफ 18 जून से होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इस्तेमाल होने वाली ड्यू गेंद की पहली तस्वीर शेयर की है, जिस पर आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल 2021 भारत वर्सेस न्यूजीलैंड लिखा हुआ है। दोस्तों, कीवी बोर्ड ने इसके साथ ही फाइनल के लिए न्यूजीलैंड की जर्सी की तस्वीरें भी शेयर की है। पाकिस्तानी सुपर लीग यानी कि पीएसएल एक बार फिर से सुर्खियों में है। पीएसएल के एक मैच में लाहौर कलंदर्स के पेसर शाहीन अफरीदी का बाउंसर क्वेटा ग्लेडिएटर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज व पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद के हेलमेट पर जा लगा, जिसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों में कहासुनी हो गई और इसके बाद से जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि अंपायर दोनों ही खिलाड़ियों को शांत कराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों कि इस मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रनों से शिकस्त दी। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद फ्रांसीसी खिलाड़ी पॉल पोग्बा ने भी जर्मनी से मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने रखी हाइनेकन की बॉटल्स को हटा दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता देते हैं कि यूरो कप 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुर्तगाली कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की बॉटल्स को हटा दिया था, जिसके बाद से कोका कोला की कंपनी को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और इसके बाद अब फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने भी जर्मनी से मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी हाइनेकन की बॉटल्स को हटा दिया है। स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बॉटल्स बिना अल्कोहल वाली बियर की थी और पोग्बा एक मुस्लिम खिलाड़ी है और ऐसा माना जा रहा है कि इस्लाम धर्म में शराब को हराम माना जाता है, जिसकी वजह से ही पोग्बा ने ये बॉटल्स अपने सामने से हटाई होंगी। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।